हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रजनी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे मैं गेहूं के आटे से बना के तैयार करूँगी। और आप देख ही सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से इस हेल्दी नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो आज ये नाश्ता हम गेहूँ के आटे से बना के तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है, तो इसे मैं एक बाउल में डाल लूँगी। साथ में ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून अजवाइन, इसे क्रश करके डाल देंगे। 1/2 टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक, और 2 चम्मच के करीब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हुए हमें इसका एक सेमी थिक डो लगा के तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा टाइट और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो इसलिए हमें आटा लगा के तैयार कर लेना है। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। हमने ये सेमी थिक डो लगा के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। इतने में अपनी स्टफिंग बना के तैयार कर लूँगी। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और उसमें डालूँगी मैं 1 टेबल स्पून ऑयल, और ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं डाल दूँगी इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, उसे डाल देंगे। और अच्छी तरह कुछ सेकंड्स के लिए इसे मैं गोल्डन ब्राउन कलर तक होने तक भून लूँगी। तो प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, ग्रेट किया हुआ अदरक, तो ये 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया था, इसे भी कुछ सेकंड के लिए प्याज के साथ भून लेंगे। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूँगी। तो 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ही धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड के लिए अच्छी तरह भून लेंगे प्याज के साथ ही। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ के आलू उबले हुए और मैश किए हुए, अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी। चीज़ों को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें 1/2 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार, नमक हमने स्टफिंग में भी डाला है, और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। स्टफिंग हमारी बनके तैयार है। और 1 नींबू का रस, आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो स्टफिंग हमारी बनके तैयार है। अब हम स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, आटे को चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसे मसल लेते हैं, रोलिंग सरफेस पे इसको इस तरीके से रोल कर लेते हैं। रोल करने के बाद अब इसे हम इस तरह छोटे छोटे लोइयों में कट कर लेंगे और इसकी लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह हम इसकी लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। तो सभी लोइयां मैं इसी तरह बना के तैयार कर लूँगी। सभी लोइयां हमने बना के तैयार कर ली है। अब एक लोई मैं इस तरह लेके उसे एक चपाती की तरह बेल लूँगी, तो पूरी के जैसा हमें इसे बेलना है। तो ये हमने बेल लिया है। अब मैं इसे नाइफ़ की हेल्प से इसके कॉर्नर कट कर लूँगी। और इनको इस तरह निकाल दूँगी और इनको दूसरे लोई में लोई बना लूँगी। अब यहाँ पे स्टफिंग भी हमारी तैयार है। तो हम थोड़ी थोड़ी स्टफिंग इस तरह से यहाँ पे भर देंगे। और कॉर्नर्स पे इस तरह पानी लगा लेंगे ताकि ये फ्राई करते वक्त खुले ना। इस तरह मैं इसको अच्छी तरह से बंद कर दूंगी चारों तरफ से। एक पॉकेट सी बना लेंगे हम इसकी। और यहाँ पे मैं एक नाइफ़ की हेल्प से इस पर इस तरह डिज़ाइन बना दूंगी। तो आप देख सकते हैं हमने इसका डिज़ाइन बना दिया है। तो ये देखिए, इस तरह हम सभी पॉकेट बना के तैयार कर लेंगे।
तो ये देखिए हमने अपने सभी पोटैटो पॉकेट्स बना के तैयार कर लिए हैं। ऑयल भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो हमें यहाँ पे मीडियम ऑयल गर्म चाहिए। तो अब मैं एक एक करके सभी पॉकेट्स को कढ़ाई में डाल दूँगी, जितने पॉकेट आएंगे उतने ही कढ़ाई में डालूँगी, और लो टू मीडियम फ्लेम पे क्रिस्प होने तक इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इन्हें पकाना है। तो ये देखिए पॉकेट्स अपने आप ऊपर आ गई हैं फ्लोट करके। अब मैं इन्हें थोड़ा सा पलट देती हूँ, और दोनों तरफ से पलटते पलटते ही हमें इनको गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक फ्राई कर लेना है। तो हल्का हल्का इनका कलर भी चेंज होने लगा है। तो इसी तरह उलटते पलटते दोनों तरफ से मैं अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इनको फ्राई कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करें। और उन्हीं चीज़ों से बन के तैयार हो जाता है जो मोस्टली हमारे किचन में अवेलेबल होती है। तो ये देखिए हमारी पोटैटो पॉकेट्स फ्राई होकर तैयार है। दोनों तरफ से इन पर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, बहुत ही प्यारा इनका कलर लग रहा है फ्रेंड्स। तो मैं इन्हें अब एक टिश्यू पे निकाल लूँगी, जिससे इनका एक्सेस ऑयल निकल जाएगा, और इसी तरह दूसरे बैच के भी बना के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए दूसरे बैच के भी हमारे पोटैटो पॉकेट्स बन के तैयार है। तो मैं इन्हें भी टिश्यू पे निकाल लूँगी, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो ये लीजिए गेहूं के आटे से हमारा नाश्ता बनके तैयार है। बहुत ही अच्छा हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और ये हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से बना के तैयार किया है। तो आप कभी भी इसे बना सकते हैं, जब आपके घर में मेहमान आए या फिर आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें इसे। तो बहुत ही क्रिस्पी भी बना है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा टेक्स्चर आया है इसका अंदर से। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के नीचे क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ।